दोस्तों YouTube की लाइब्रेरी से हम कैसे कोई भी म्यूजिक या जो बैकग्राउंड म्यूजिक होता है वीडियो में लगाने वाला कैसे डाउनलोड करेंगे, वही आज के इस वीडियो में सीखेंगे कि YouTube के बैकग्राउंड का म्यूजिक YouTube के लाइब्रेरी से कैसे डाउनलोड करें जो विदाउट कॉपीराइट होता है, बिना कॉपीराइट का होता है। चलिए सारा कुछ लाइव बताएंगे, स्वागत करेंगे आपका अपनी सी यूट्यूब चैनल क्रिएटर जंक्शन पर। फिर सीख लेते हैं ना दोस्तों कैसे कैसे क्या करना है। दोस्तों YouTube लाइब्रेरी से हम कैसे कोई भी म्यूजिक या कैसे कोई भी सॉन्ग को डाउनलोड करते हैं, आइए आपको बताते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले मोबाइल फ़ोन में यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है, ठीक है। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है, ओपन करने के बाद सर्च बार में लिखना है YouTube.com, लिख के सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद ऊपर की तरफ यहाँ पर 3 डॉट होगा, इस 3 डॉट पर क्लिक करके डेस्कटॉप साइड का एक ऑप्शन होगा, इसे चालू कर दीजिएगा। जैसे आप चालू कर देंगे तो यहाँ पे YouTube.com की पहली साइट आ जाएगी, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपका YouTube ऐप ही खुलेगा, लेकिन आपको क्या करना है, इसे चालू करने के लिए ऐसे दबा के रखना है। देखिए YouTube यहाँ पे है ना, YouTube.com, इस पर ऐसे दबा के रखिएगा। दबा के रखेंगे तो एक ऑप्शन आएगा ओपन इन न्यू टैब, इस पर क्लिक करिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ संख्या दिखने लगेगी आपको, 1 2 3 4 5 कुछ ऐसे, इस पर संख्या पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद इस संख्या पे आपको क्या करना है, आइए मैं बता रहा हूँ। सबसे नीचे संख्या पे क्लिक करने के बाद सबसे नीचे वाले पेज पर आपको आना है। जैसे सबसे नीचे वाले पेज पे आएंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। बट आपको करना क्या होगा, यहाँ से भी आपका काम नहीं बनने वाला है, आपको YouTube स्टूडियो को ओपन करना होगा। इसके लिए आप फिर से बैक आ जाइए, ठीक है। और यहाँ पे इतना भी बैक आपको नहीं आना है, ठीक है। एक बार मैं पीछे जाता हूँ, यहाँ पर देखिए YouTube स्टूडियो का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। इसी पे ऐसे दबा के रखना है और ओपन इन न्यू टैब करना है, ठीक है। फिर से यहाँ पर संख्या पर क्लिक करना है, आखिरी वाले पर आना है। अब आपका YouTube स्टूडियो ओपन होगा यहाँ से, जैसा कि देख पा रहे हैं, ठीक है। कुछ पलों का वेट करेंगे, उसके बाद हमारा YouTube स्टूडियो यहाँ से ओपन हो जाएगा। YouTube स्टूडियो ओपन होने के बाद हमें करना क्या होगा, यहाँ पर एक ऑप्शन होगा, पेज को जूम करेंगे। जूम करने के बाद हमें यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा म्यूजिक का, इस म्यूजिक पर क्लिक करेंगे। जैसे म्यूजिक पर क्लिक करेंगे तुरंत ऑडियो लाइब्रेरी हमारी ओपन हो जाएगी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। बहुत सारे गाने यहाँ पे मिलते हैं, ऊपर सर्च भी कर सकते हैं, प्ले करके सुन भी सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने प्ले करके सुना, जो गाना पसंद आए प्ले करने के बाद डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिए, डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। प्ले करिए, बिना प्ले किए डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आएगा, गाने को प्ले करना है, प्ले के बाद डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। डाउनलोड पर क्लिक करिएगा, ऊपर 3 डॉट है, 3 डॉट पर क्लिक करिएगा, डाउनलोड्स में जाइएगा, आपका देखिए सारा का सारा सॉन्ग डाउनलोड हो रहा है। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो सपोर्ट करिएगा, वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों।